अल्लाह रहमान रहीम। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम के रोने कुरलाने से बचो और मजलूम का दिल जलाने से बचो। जो अल्लाह की कजा पर राजी ना हुआ उसकी हमाकत का इलाज मुमकिन नहीं। ऐ अल्लाह ताला पर एतराज करने वाले, जब तुम राह नहीं पाते तो फजूल बकवास भी मत करो। कजा को ना कोई टालने वाला टाल सकता है और ना कोई रोकने वाला रोक सकता है, बस इसे तस्लीम कर। ऐ लोगो, अपने रब अज्जा वजल की इबादत में ठहराओ मांगो, इस वास्ते कि उसने अपने सामने अदब से खड़े होने वालों की तारीफ की है। अल्लाह वालों के तो ऐसे आमाल होते हैं जैसे नेकी के पहाड़। ऐ बेटे, जो चीज तुम्हारे लिए है तुमसे फौत ना होगी, ना कोई और उसे खाएगा, और जो चीज दूसरे के लिए है वो रगबत और लालच से तुम्हारे पास ना आएगी, वो तो महज कल है जो गुजर गई, और तुम्हारा दिन ये है जिसमें तुम हो। मोमिन के नजदीक सबसे प्यारी चीज इबादत है और इसके नजदीक सबसे प्यारी चीज नमाज में खड़ा होना है। ऐ लोगों, कहना सुनना छोड़ दो और दुनिया का जमा करना और उस पर लड़ना झगड़ना गुनाह है। सरदार बनना चाहते हो तो मेरी चार बातों पर अमल करो। नंबर एक, अकल सीखो। नंबर दो, माफी के बगैर महज सूरतों पर राजी ना हो जाओ। नंबर तीन, अमल करो। नंबर चार, इखलास इख्तियार करो। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम दारुल हिकमत में हो, एक वास्ता जरूरी है। अपने माबूद से एक ऐसा तबीब मांगो जो तुम्हारे दिलों की बीमारियों की दवा करे, एक ऐसा मुआलज जो तुम्हारा इलाज करे, एक ऐसा राह दिखाने वाला जो तुम्हें राह दिखाए। ऐ मुशरिक, तुम खुलूस से कहां हो? ऐ कुदूरत वाले, तुम रजा से कहां हो? ऐ नाराज होने वाले, तुम सबर से कहां हो? मखलूक से शिकायत करने वाले ये है तुम्हारा हाल और मुकाम जहल पर हो तुम। ऐ जाकर, अल्लाह ताला को ऐसे याद करो गोया तुम उसके हां मौजूद हो।